हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। प्रदेश में हर रोज खुलेआम दिन दहाड़े व्यापारियों की दुकान के ऊपर फायरिंग करके फरोख्ती व मंथली मांगी जा रही है। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन मर्डर ना होते हो, फरोख्ती की वारदात ना होती हो, लूटपाट की वारदात ना होती हो, अपहरण की वारदात ना होती हो और चोरियों की तो बाढ़ आ चुकी है। ये स्थिति हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा क्राइम के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर आ चुका है और यहां तक कि व्यापारी व आम जनता पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। ये सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। आप कहीं चले जाओ, चार दिन पहले 2 करोड़ की फरोख्ती, गुहाना के अंदर मातू राम जी की हलवाई की दुकान पर 2 करोड़ की फरोख्ती, वहां पे बहादुरगढ़ में राठी जी का कत्ल, यहां तक कि आप देखो सांप लाके सीताराम हलवाई के यहाँ फरोख्ती, और हफ्ता पहले एक व्यापारी जो वहां था रोहतक जिले के अंदर उसका कत्ल कर दिया। यहां तक कि उसकी तफ्तीश के अंदर जो पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे 3 दिन बाद उसका कत्ल कर दिया। कहां लाइन ऑर्डर है? डेली कत्ल, कत्ल की एवरेज डेली 3-4 डेली कत्ल की एवरेज हरियाणा के अंदर कम से कम है। मैं नहीं कहता, केंद्र सरकार के जो सरकारी आंकड़े वो बोल रहे हैं, ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। भाई मैं कहता हूं करोड़ों अरबों रुपए प्रदेश का देश का व्यापारी किस लिए देता है? सरकार को हर प्रकार का टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, वेट कर हो, GST हो, लाइसेंस फीस हो, हाउस टैक्स हो, हर प्रकार के टैक्स देकर सरकार का शोक करने में व्यापारी व आम जनता लगी हुई है। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध ना कर सके, उस सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा है, उसके बाद दूसरी बात, सुरक्षा हमारी है नहीं। सरकार कहती है, हमारे खट्टर बाबा जी कहते हैं कि हम व्यापार व उद्योग बढ़ाएंगे। बता दे भाई, हरियाणा के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, आंकड़े सहित कहता हूं, ग्राम स्तर पे जो छोटे छोटे उद्योग थे 80% उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, आज व्यापारी बह के साय के अंदर जी रहा है। आज व्यापारी उद्योगपति ना दुकान पे सुरक्षित है, ना घर पे सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है। बड़ी भारी चिंता की बात। मेरी सरकार से अपील है, सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और अपराधियों का पक्का इलाज जो पहले पिछली सरकार में हुआ था, उनके चीरा लगाकर पक्का उनका प्रबंध करने का सरकार को काम करना चाहिए, ताकि अपराधियों के ऊपर भय बह रहे। आज पुलिस का कोई भय ही नहीं है, पुलिस के सामने ही गड़बड़ हो लग रही है, आंख मूंद के ये तमाशा देख रहे हैं। और जहां तक कि मैं जींद जिले में बैठे हूं और जींद जिला नु कहते हैं राजनीतिक सेंटर है, सरकार बनाने में जींद का सबसे बड़ा धरती का रोल है। जींद की धरती के ऊपर जो रैली जिसकी टॉप की होगी उसकी सरकार बनगी। अरे तुम रैली की भी बात कर लो, सरकार बनानी हो तो जींद ने याद कर लो। मैं पूछ रहा हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, भाई यहां एक उद्योग नया लगाया क्या जींद के अंदर? इंडस्ट्री जोन आ तो इंडस्ट्री जोन नहीं बना पाई, या निकम्मी सरकार। सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जींद के अंदर इंडस्ट्री जोन बनाने चाहिए। और जो
खेती में अंदर जो सामान पैदा होता है, जैसे सरसों है, गेहूं है, दुनिया भर की सामान्य है, उनकी मिलों के लिए भी यहां इंडस्ट्री लगे, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात आप देखोगे ना, तो यहां ऑटो मार्केट है, बता दो कोई ऑटो मार्केट हो, ना ट्रांसपोर्ट नगर है, हर जगह ट्रांसपोर्ट का अलग ही होगा ना, शहर के अंदर दो ट्रांसपोर्ट खोल दो, 10 ट्रक खड़े कर दिए, जाम हो गया। एक ट्रांसपोर्ट नगर और ऑटो मार्केट होनी चाहिए, ताकि हर एक आदमी अपने सिस्टम से अपना काम कर सके, लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार को सबसे जरूरी क्या है, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की सुविधा देने की जरूरत है। मगर ये सरकार तो भाई, इसकी सरकार में तो इनकमिंग है, आउटगोइंग तो है ही नहीं ना, ये लेना लेना जाने, लेने के सिवाय किसी प्रकार की सुविधा राहत देने का इनके पास कोई खाता नाम की चीज नहीं है। मैं एक बात और बता दूं, जब से देश आजाद हुआ है, आप आंकड़े ठाकर देख लो, ना तो कपड़े पे टैक्स, ना चीनी पे टैक्स था, ना दूध पे टैक्स था, ना दही पे, ना लस्सी पे, ना खाद पे टैक्स था। इस निकम्मी सरकार ने आते ही GST लगा दिया। आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं 5% वेट होता था, इन्होंने 18% वहां उस पर GST लगा दिया। और यहां तक कि पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 गुना यही 100% बेट कर बढ़ा दिया। और एक्साइज ड्यूटी 800% पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। महंगाई पर राहत देंगे, किसकी राहत देगा भाई? नो कहे करते हम रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपए कर देंगे, तो 100 रुपए कम करके नाचा लग रहा है, एक टांग के ऊपर हमने 100 रुपए कम कर दिया। फुफा तन्ने बढ़ाया था 400 रुपए गैस सिलेंडर, तन्ने तो डाल का गया, 1150 कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर चुनाव आ गया, फिर कम कर दिया, चुनाव खत्म होती सीधे 400 का गैस फिर मारेगा, फिर बढ़ा देगा, तेरा के बिगड़ेगा। नू क्या करता, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, आज आपके सामने 100 रुपए पेट्रोल डीजल कर दिया। मतलब क्या है ना, तो ये महंगाई की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, और खुले मन से कहना चाहता हूं, जो मैं कहूंगा वो करेंगे, इनके तो झूठे नहीं है। जो झूठी घोषणा करे, जुमले है हमारे पास, जुमले कोनी, हम लोगों को जोड़ने वाले आदमी है। मैं कहता हूं सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करे, छूट देने का काम करे। मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में एक भी हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। उद्योग और व्यापार के माध्यम से हरियाणा के अंदर जितने भी बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम मेरा व्यापारी, मेरा उद्योगपति करेगा। मगर सरकार कुछ करे तो, कोई बात कर लियो ना, ये कौन होवे, या कौन होवे, इसे निकम्मे ने तो मार्केट फीस सब्जी फल के ऊपर नई मार्केट फीस और लगा दी। हमने पिछली सरकार में खत्म करवाई, उस पर मार्केट फीस लगा दी। अरे मार्केट फीस लगा के गरीबों का मुंह का निवाज छीनने का लग रहा है, सौदा के है यो। मार्केट फीस 30 करोड़ रुपए मार्केट फीस आवेगी, और फिर 2 साल से घोषणा कर दी भी हमने मार्केट फीस हटा दी है। 30 करोड़ रुपए का लाभ किसान को, आड़ती को होगा, आम जनता को हो गया। आज तक तो मार्केट पे हटी कौन, HRDF था वो, एक HRDF हटा गया वो, हो हमने वो बड़ा तीर मार दिया। अरे तू तो लगानी है HRDF भी, मार्केट भी तू लगानी है, और तू कब एक HRDF हटा दी और मार्केट भी तेरा फुफा हटा होगा, कौन हटा होगा, जब आप ही लगाने वाले हो। कोरोना के समय में कहा था, कोरोना का समय के अंदर मदद के लिए ये मार्केट फीस लगाई थी, वो आज तक नहीं हटाई, वो हटाने चाहिए, मेरी सरकार से मांग। और एक बात और कह जाता हूं, हम अच्छे निर्णय के लिए सरकार के साथ, सरकार कोई भी व्यापारी हित में काम करेगी, कोई भी उद्योग के हित में काम करेगी, कोई भी जनता के हित में काम करेगी, सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग और हमारे व्यापार मंडल की टीम होगी। हम चाहते हैं व्यापारियों को सुविधा मिले, राहत मिले, उनकी जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध हो, और तीसरी बात बेरोजगारों को रोजगार मिले। हम ये कहना चाहते हैं, इनकी तो झूठी बात क्यों नहीं करें,
आई साल 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2 नौकरी कौन देगा भाई। कितना वो झूठी बात नहीं करते, और देखो के माध्यम से 75% हरियाणा के लोगों को बेरोजगार नौकरी देंगे, क्यों देगा भाई तू? हमारे उद्योग, हमारी दुकान, हम देंगे तू देगा? कौन देगा भाई? कुछ नहीं हो है, ठेका ढाओ, व्यापार तुम बढ़ाओ नहीं, उद्योग तुम बढ़ाओ नहीं, झूठे नियम तुम बनाओ है, गलत पॉलिसी तुम बनाओ। कोई भी पॉलिसी सरकार बनाए, व्यापारी संबंधित पॉलिसी हो व्यापारी प्रतिनिधि बनाए, किसान संबंधी पॉलिसी हो किसान को बनाए, मजदूर संबंधित पॉलिसी बनाए मजदूरों को बनाए, ताकि कोई वाद विवाद ना रहे, भाईचारा बना रहे। अरे हमारा मुख्यमंत्री, हम मानते हैं मुख्यमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री सबका होता है। मनोहर लाल जी हम भी मानते हैं हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है। जब हम प्रधानमंत्री को माने और मुख्यमंत्री को माने तो इनका फर्ज नहीं है जनता की तरफ वो भी देखे? ये तो नहीं भी 140 करोड़ जनता मेरी है मैं उसका हूं, झूठे नारे झूठे वायदों से कोई पेट भरा है? थाली दे दो नई नई लाके, उसमें रोटी नहीं डालो, साग नहीं डालो, थाली नहीं कटेंगे, सामान डालो सामान उसके अंदर, किसी गरीब के थाली के अंदर रोटी डालो, अन्न डालो, दाल डालो, सब्जी डालो, वो तो आप डाल नहीं रहे, आप झूठे नारे दे देंगे। मैं कसम राम की खाते हैं मंदिर बनाएंगे, ये कोई बात हो या है? पहले वो उन्होंने कह दिया 19 के अंदर, भाई हम तो पहली वोट देश के शहीदों के नाम, और शहीद तो सबका है भाई, देश के लिए जान दी जिसने, मंदिर बना दो, मंदिर 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 हमको ना, हम रोज ही मंदिर बना रहे, देश में ऐसे कोड़ा बता दो जो व्यापारी ने मंदिर धर्मशाला ना बनाई, हमने तो कभी गीत नहीं गाए भाई है? बनाने वाला कोई हो सकता है? मंदिर सबका है, कोई जाति पाति बात नहीं। मैं एक बता चाहता हूं, हम सब एक हैं, हमारा एक उद्देश्य है, सत्ती बरादरी मिलके रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जो भारत देश है एक छत के नीचे सब भाई मिलके रह रहे, भाईचारा से रहना चाहिए, हमें सबको एक होकर करना है। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से, केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से, हमारा किसी प्रकार का कोई भी नहीं, सरकार व्यापार को बढ़ाए उसके लिए सुविधा दे, उद्योग को बढ़ाने की सुविधा दे, जींद की जो मैंने बात की है इंडस्ट्री जोन बनाए, ऑयल मिले जो ओल मिले लगनी उनके लिए सिस्टम बनाए, ट्रांसपोर्ट नगर बनाए, नई ऑटो मार्केट बनाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। आपको लगता है कि व्यापारियों की सुरक्षा है, हरियाणा की सुरक्षा की? मुख्यमंत्री साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि हर एक व्यक्ति की हम सुरक्षा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बयान आया, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं कि उसकी सुरक्षा तो हो जाती है ना, छोटी सी जनसभा करे, 5 जिले की पुलिस लगा ले, 5 SP खड़ा हो जाए, उसे क्या डर है? डर तो जनता ने, आज जींद के अंदर CM आ जाओ, सारी चौकी थाने खाली पावेंगे, वहां मुंशी भी कौन पापला ने, ये लूट हो जाए कसूट हो जाए, CM का प्रॉब्लम है। 2 दिन पहले ही वहां जो मुख्यमंत्री खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा?